चलो कुछ क्वेश्चंस और लिख लें, कुछ क्वेश्चंस और लिख लें, फिर मैं एक नया कंसेप्ट, अगर टाइम लगेगा तो मैं आज दूंगा एक रिएक्शन होगी कपलिंग रिएक्शन, सबने पढ़ी हुई है कपलिंग रिएक्शन, इसका एक कंसेप्ट दूंगा, उसके क्वेश्चन 4-5 साल के अंदर नीट में और IIT में दोनों में आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो। क्वेश्चन नोट करना है, बेंजीन प्लस HCHO इन H प्लस, HCHO इन H प्लस, तो क्या आएगा आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन प्लस CH3 होल ट्वाइस CH CH2Cl AlCl3, तो आंसर क्या आएगा? बेंजीन प्लस CH3 होल थ्राइस CH2Cl AlCl3, बेंजीन प्लस C6H5 CH3 CH3 CH2Cl AlCl3, बेंजीन प्लस, ये सब क्वेश्चंस आते हैं, आते होंगे सबको, डिटेल में पढ़ रखा रीअरेंजमेंट, CH CH3 CH12 CH2 AlCl3, बेंजीन प्लस AlCl3, AlCl3। चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट करो जल्दी।
चलो आंसर निकाल लिए। फर्स्ट केस में आंसर, फर्स्ट केस में देखो एच सी एच ओ है, एच सी एच ओ में ओ अपने लोन पेयर, ये वाला ओ लोन पेयर देगा इस एच प्लस को, तो लोन पेयर देगा ओ पे प्लस एच आ जाएगा, ओ पे प्लस एच आ जाएगा, नीचे एच है ही। अब इसका ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और इस वाले सी प्लस के साथ अटैक हो जाएगा बेंजीन पे और आंसर आएगा बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल, ये आंसर आएगा बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है ना, बेंजाइल एल्कोहल। इसको लैडर मैनेस रिएक्शन भी बोलते हैं, एल ए डी ई आर ई आर, एल ए डी ई आर ई आर, लैडर मैनेस, एम ए डबल एन ए एस सी, लैडर मैनेस रिएक्शन, ठीक है ना। इस टाइप की रिएक्शन यूज करोगे तुम पॉलीमर चैप्टर में, तो ये बनेगा। नेक्स्ट केस में क्या बनेगा बताओ, नेक्स्ट केस में आंसर, नेक्स्ट केस का आंसर क्या होगा, ए एल सी एल थ्री डाला तो ये ए एल सी एल थ्री जो है इसको ले जाएगा सी एल को, ए एल सी एल फोर नेगेटिव की फॉर्म में, बनेगा पहले ये सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच टू प्लस। अब शिफ्टिंग होगी, क्या शिफ्ट करेगा, हाइड्राइड की मिथाइल वाटर, तुम्हें शिफ्टिंग का पता होगा, हाइड्राइड शिफ्ट करता है, ये हाइड्राइड ले जाएगा इलेक्ट्रॉन्स और ये जाके अटैच होगा यहाँ पे, आंसर आएगा टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। तुम्हें पता है यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ये प्राइमरी है, अगर ये प्लस यहाँ आ जाए तो टर्शरी बन जाएगा, इसलिए प्लस यहाँ शिफ्ट करेगा वन टू हाइड्राइड शिफ्ट के अकॉर्डिंग, तो सी एच थ्री यहाँ पे भी सी एच थ्री यहाँ पे भी सी एच थ्री, आंसर आ जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। नेक्स्ट केस में आंसर क्या आएगा, इसमें भी शिफ्टिंग होगी, दिख रहा है कि प्लस आएगा प्राइमरी पे, दिख रहा है इसमें प्लस क्या आएगा प्राइमरी पे, और प्राइमरी पे प्लस आएगा और अगर वो पीछे जाएगा तो टर्शरी पे आ जाएगा, ठीक है ना, टर्शरी पे आ जाएगा वो, देखो उधर सी एस थ्री सी सी एस थ्री सी एस थ्री सी एच टू प्लस, ये आएगा, ये प्लस आएगा। अब तो क्या करना है, प्लस को इधर पहुंचा देना है और मिथाइल रूप उठा करके, क्योंकि तीनों मिथाइल है तो कोई भी लगा सकते हैं, तो इसका टर्शरी पेंटाइल बेंजीन आंसर आ जाएगा, ये मिथाइल यहाँ चला जाएगा, उसका ये मिथाइल यहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले जाएगा यहाँ से, मिथाइड शिफ्ट होगा वन टू और आंसर आएगा टर्शरी पेंटाइल बेंजीन, सी एच थ्री सी एच थ्री और सी एच टू सी एच थ्री, जिसको हम सी टू फाइव लिख सकते हैं, सी टू फाइव टर्शरी पेंटाइल बेंजीन। उससे नेक्स्ट केस में आंसर क्या आएगा, इसमें क्या शिफ्ट करेगा, इस केस में यहाँ फिनाइल लगा हुआ है, ध्यान देंगे यहाँ पे फिनाइल लगा हुआ है, इसमें ये फिनाइल लगा हुआ, ये फिनाइल है, इसको बस फिनाइल बना दो और शिफ्ट भी फिनाइल करेगा, शिफ्ट क्या करेगा फिनाइल, इस बार मिथाइल शिफ्ट नहीं करेगा, क्या शिफ्ट करेगा फिनाइल शिफ्ट करेगा, तो इस फिनाइल को शिफ्ट करेंगे यहाँ से और ये लगेगा सी एच टू सी एच फाइव, यानी आंसर जो आएगा इस बार ये आएगा बेंजीन सी सी एच थ्री सी एच थ्री और सी एच टू के साथ सी सी एच फाइव, ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट केस में नोट कर लिया यहां तक, चलो नेक्स्ट केस देखेंगे, नेक्स्ट केस में आंसर क्या आएगा, अब देखो नेक्स्ट केस में इलेक्ट्रॉन्स गए इधर, इलेक्ट्रॉन इधर गए, ए एल सी एल थ्री हो या एसिड एच प्लस, ए एल सी एल एसिड, देखो यहाँ पे मैं जैसे सी एल यूज कर रहा था ऐसे मैं डबल बॉन्ड भी यूज कर सकता हूँ और ऐसे ही मैं आगे एल्कोहल भी यूज कर सकता हूँ और साथ में यूज करेंगे एसिड, ये दिमाग में रखना है, डबल बॉन्ड सी एल या हेलोजन या ओ एच एक ही काम करेंगे तीनों एसिड, जनरेट किसको करेंगे कार्बोकैटायन, तो इसमें पहले बनेगा ये, पहले बनेगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन, देखो पहले ये बनेगा सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच पे प्लस सी एच थ्री, अभी ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, अगर ये प्लस इधर आ जाए तो टर्शरी बन जाएगा, अगर ये प्लस इधर आ जाए टर्शरी बन जाएगा, इसलिए करेंगे वन टू हाइड्राइड शिफ्ट, ये एच आया यहाँ से, ये शिफ्टिंग करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और यहाँ पहुंच जाएगा और आंसर आ जाएगा फिर बेंजीन के ऊपर इस कार्बन से अटैच होगा इस कार्बन से, तो इसमें आ जाएगा आंसर सी सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री टर्शरी पेंटाइल बेंजीन, टर्शरी पेंटाइल बेंजीन। अब लास्ट के तीन केस इंपॉर्टेंट है, वो उसमें ध्यान देंगे, लास्ट के तीन केस,
ये तो शिफ्टिंग वाले केसेस थे, रीअरेंजमेंट तुम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है। रीअरेंजमेंट कर सकते हैं कितनी बार भी अनटिल एंड अनलेस स्टेबल कार्बोकैटायन इज फॉर्मड एट ईच स्टेप। अच्छा अब कौन देगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर कौन देगा? छवि, कृष्णा, निशि, नित्या? नित्या आंसर देना इसका। सिद्धि, कनिष्क? चलो इसका मतलब सही नहीं हुआ है किसी का भी, ध्यान देंगे इधर। देखो इसमें प्लस ये ऐसे आ जाएगा, साइक्लोब्यूटाइल मिथाइल कार्बोटाइन है, ये आएगा प्लस। ध्यान रखना चार की रिंग पे और पांच की रिंग पे कभी भी ऐसे प्लस आ जाता है, चार की रिंग पे और पांच की रिंग पे सात वाले कार्बन में प्लस आ जाता है, हमेशा रिंग एक्सपेंशन होगा। हमेशा क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन। अभी मैं तुम्हें डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, चार की रिंग पे सात वाले कार्बन में प्लस आ जाए या पांच की रिंग पे, जैसे इस टाइप का CH+ CH3 कुछ भी लगा हो साथ में, तो इसमें भी रिंग एक्सपेंशन होगा। तो इन केसेस में क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन। तो वहां जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसकी मैं रिंग एक्सपेंशन कर रहा हूँ, तो आंसर क्या आएगा इसमें, रिंग एक्सपेंशन होगी। ये इलेक्ट्रॉन गए इधर, क्योंकि चार की रिंग में स्ट्रेन ज्यादा है इसलिए रिंग एक्सपेंशन होगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, इधर जाने का मतलब है, मैं इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ, तुम अभी ये सिर्फ समझने के लिए, मैं समझने के लिए बता रहा हूँ कि ये बनेगा। देखो इससे ये बनेगा, ये और ये बनेगा प्लस, इधर प्लस, इधर ये चीज आएगी। एक बार हैंड से करेंगे जिसको ये पार्ट समझ आ गया, ये चीज समझ आ गई है, नहीं तो मैं फिर ओपन करके पूरा डिटेल में लिखूंगा इसे। हैंड से करेंगे जिसको ये समझ आ गया रिंग एक्सपेंशन या कैसे हो फिर रही से है। बता दो सर ये वाली। एक चलो एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ नहीं आया, ये जिसको समझ नहीं आया है। ऋषि, और कोई? मयंक, उज्जवल? चलो देखेंगे एक बार फिर। देखो मैंने क्या बोला तुम्हें, चार की रिंग हो या पांच की रिंग हो, सात वाले कार्बन पे इसके ऊपर कार्बन प्लस हो, इधर ऊपर कार्बन प्लस हो, तो दोनों केस में क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन। इन ऑर्डर टू गेट रिलीफ फ्रॉम एंगल स्ट्रेन रिंग विल एक्सपैंड। रिंग क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी। कैसे एक्सपैंड करती है, बस तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स को, जो रिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको शिफ्ट करना है ऐसे कि पांच की रिंग बन जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन मैं इधर भी शिफ्ट कर सकता था या मैं इधर भी शिफ्ट कर सकता था, दोनों साइड एक ही चीज है। इस केस में दोनों साइड एक ही चीज है, कैसे भी कर लो शिफ्टिंग। मान लो मैंने ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दिए, एक साइड शिफ्ट कर दिए, इसका मतलब देखो हुआ क्या है, इसका मतलब हुआ क्या है, देखो मैं ध्यान से सीखना इधर, इसका मतलब हुआ क्या है, ये बना है शिफ्ट करने के बाद, ये चीज बनेगी CH2+ तो है ही ऊपर, ये बॉन्ड टूट गया है, ये बॉन्ड क्या टूट गया, यहाँ आया नेगेटिव यहाँ आया पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे और ये बन जाएगा। आया समझ के नहीं अब? ऋषि नहीं सर, नहीं समझ आया अभी नो सर। इसमें? अरे ऋषि देख इधर, जैसे नीचे वाले केस देखो, इसमें क्या करना है, इस वाले बॉन्ड को तोड़ दिया मैंने, जैसे ये बॉन्ड तोड़ दिया, ये बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड जो है ना ब्लैक से जो शो कर रहा हूँ, ये बॉन्ड टूट गया है, ये बॉन्ड टूट गया, जिधर इलेक्ट्रॉन गए हैं वहां नेगेटिव दिखाओ, जिधर से इलेक्ट्रॉन गए हैं वहां पे पॉजिटिव दिखाओ, ये चीज थी ना, यहाँ नेगेटिव दिखाओ और यहां से इलेक्ट्रॉन गए थे इसलिए पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव को और इस नेगेटिव को जोड़ देना, तभी तो पांच की रिंग बनेगी। ऐसे ही नीचे देखो, इसमें इस बॉन्ड को तोड़ दिया मैंने, या इसको भी तोड़ सकते हैं, एक ही बात है इस केस में, इस बॉन्ड को तोड़ दिया तो क्या होगा, ये बॉन्ड हटा देंगे यहां से, ये बॉन्ड हटा रहा हूं मैं, ये हटा दिया यहां से मैंने बॉन्ड, ये हट गया, फिर क्या हुआ, यहां नेगेटिव आ गया, यहां आ गया पॉजिटिव, अब ये वाला पॉजिटिव और ये नेगेटिव जोड़ दो। नहीं समझ आ रहा ऋषि अभी? आ गया सर, आ गया, समझ आ गया सर। इसको कम से कम पांच पांच बार लिख के देखना, तब जाके क्लियर रहेगा। और लाइन जरूर याद रखना मेरी, चार की रिंग, चार की रिंग जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ऊपर वाले कार्बन पे प्लस, साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप और ऊपर वाले कार्बन पे प्लस तो रिंग एक्सपेंशन, पांच की रिंग और ऊपर वाले कार्बन पे प्लस तो रिंग एक्सपेंशन, तो क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन। तो इसलिए आ इसमें गया रिंग सर, एक्सपेंशन समझ। हो गया। हाँ ये दिखा दिया, ये बन गया आंसर।
ये चीज बन गया कैसे, इसको एक बार रियर करके इस फॉर्म में आ गया। अब इससे बेंजीन को जोड़ देंगे और आंसर आएगा साइक्लोपेंटाइल बेंजीन, ये आंसर है, ये आंसर आएगा। अच्छा ये किसी का भी, किसी बच्चे का ये सही हुआ है क्या? एक बार हैंड से करेंगे अगर किसी का सही हुआ है। चार के रिंग में एक्सपेंशन करना है, पांच के रिंग में एक्सपेंशन करना है, देखो किसका सही हुआ है। ये सही किसका हुआ है? सिद्धि यस सर। ये तुम्हारा सही हुआ क्या? यस सर। तो फिर आंसर क्यों नहीं बोलते? आंसर में पूछा बोला ना आंसर। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाला केस, इसमें क्या आंसर आएगा? नेक्स्ट वाले केस में बोलो आंसर क्या आएगा? रिंग एक्सपेंशन को तीन तीन चार चार बार लिख के देखना जरूर, नहीं तो आगे बहुत क्वेश्चन आने हैं इसके, फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा, फिर दिक्कत आएगी। हाँ इसमें क्या आएगा आंसर? अब इस वाले केस में अब ये तीन की रिंग है तो इसमें तो बहुत ज्यादा स्ट्रेन है, सी एच टू जो ओ एच है इसको यहाँ पे मान लो एच प्लस डाला मैंने, एल सी एल थ्री एच प्लस का ही काम करता है, ये एच प्लस इस एच टू इसको एच टू बना के ले जाएगा, ऐसे देखो ये ओ एच है, एच प्लस जब आएगा तो ये लोन पेयर दे देगा अपने, तो प्लस ये बन जाएगी ओ पे प्लस एच टू, अब ये बाहर हो जाएगा यहाँ से और आंसर आ जाएगा ये वाला कार्बोनेट है। क्या इसमें रिंग एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए? इसमें तो बहुत ज्यादा स्ट्रेन है, ये तुम्हें मैंने डिटेल में बताया हुआ, लेक्चर पढ़ोगे तो इसमें रिंग एक्सपेंशन नहीं होता बिकॉज दिस इज हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन। याद आया कि नहीं? सीपीएम प्लस, सीपीएम प्लस जिसने नाम दिया था डांसिंग रेजोनेंस का, ये हाईली स्टेबल है इसलिए इसके अंदर रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। मैं स्टार्टिंग से वर्ड यूज कर रहा हूँ, चार की रिंग सात वाले कार्बन पे प्लस, एडजेसेंट कार्बन पे प्लस तो रिंग एक्सपेंशन, पांच की रिंग सात वाले कार्बन से प्लस तो रिंग एक्सपेंशन, इसमें रिंग एक्सपेंशन नहीं होता, इसमें रिंग एक्सपेंशन नहीं होता, इसमें आंसर आ जाएगा ये और ये तीन की रिंग, ये वन फिनाइल वन साइक्लो प्रोपाइल मिथेन, वन फिनाइल वन साइक्लो प्रोपाइल मिथेन, ये आंसर आएगा। किसी ने सही निकाला, ये किसी का सही हुआ है कि नहीं? ऋषि? यस सर। ये सही हुआ तेरा? नहीं सर। तो हैंड्स डाउन कर लेना अपने। चलो नेक्स्ट लास्ट वाला केस है। अच्छा नेक्स्ट वाला केस देखेंगे। नेक्स्ट वाला केस लास्ट। अब इसमें सात की रिंग है, अब सात की रिंग में नेगेटिव स्ट्रेन बढ़ जाता है, सात की रिंग में नेगेटिव स्ट्रेन बढ़ जाता है, इसलिए क्या होगा? नेगेटिव स्ट्रेन बढ़ जाएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा, अब इसमें होगी रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन कैसे करोगे? एक बॉन्ड को छोड़ करके, ध्यान देंगे एक बॉन्ड को, कौन सा वाला? ये वाला बॉन्ड, इसको या फिर इस बॉन्ड को छोड़ करके कोई भी साथ वाला बॉन्ड जिससे स्टेबिलिटी मिल रही हो उसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना, जैसे इसके ये शिफ्ट किया मैंने, देखो इधर ये इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये जो मैं शो कर रहा हूँ, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ आएगा नेगेटिव, नेगेटिव वो ऊपर पॉजिटिव का बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये बॉन्ड बन गया। समझ आई बात कि नहीं? छह की रिंग और ऊपर सी एच टू प्लस, ये ऐसे कुछ छह की रिंग, ये छह की रिंग और ये प्लस, आया समझ के नहीं? ये सात की रिंग होगी या चार की रिंग होगी ऐसे प्लस डायरेक्टली अटैच द रिंग पे तो रिंग कॉन्ट्रेक्शन, सात की रिंग या चार की रिंग होगी तो भी कॉन्ट्रेक्शन होता है, जैसे ये बस एक बॉन्ड छोड़ देना, कौन सा बॉन्ड छोड़ना है? सात वाले बॉन्ड छोड़ देना है, ये वाला, ये बॉन्ड छोड़ देना, ये बॉन्ड छोड़ देना, इस वाले को इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर देना, नेगेटिव यहाँ पे और पॉजिटिव ऊपर, एक पॉजिटिव यहाँ पे भी आएगा लेकिन तुम्हें इस नेगेटिव का इस पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाना है, इनका बॉन्ड बना दो, ये चीज आ जाएगी। आगे समझ के नहीं? चार की रिंग है डायरेक्टली प्लस है तो कॉन्ट्रेक्शन, सात की रिंग है डायरेक्टली प्लस है तो कॉन्ट्रेक्शन, चार की रिंग डायरेक्टली प्लस तो कॉन्ट्रेक्शन, सात की रिंग और डायरेक्ट प्लस तो कॉन्ट्रेक्शन, आया था समझ के नहीं? ये यस सर। तो ये था, तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा फिर? अब ये हटा रहा हूं मैं, इसका आंसर क्या आएगा अब?
देखो ये प्लस आ गया यहाँ पे, ये प्लस यहाँ आया ना, अब ये प्लस इधर अपने आप ही आएगा क्योंकि यहाँ पे टर्शियरी पोजीशन है, तो यहाँ से ऐसे हटेगा, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, प्लस आ जाएगा नीचे छह की रिंग और प्लस नीचे ऊपर एमी, ये अटैक करेगा बेंजीन पे और आंसर क्या है? ये आंसर है। हैंड से करना, लास्ट के तीन केसेस किसको समझ आ गए हैं? लास्ट के तीन केसेस किसको समझ आ गए हैं? फास्ट, कनिष्क और किसको समझ आया? ये बॉबी, युविका, छवि, अर्णव, अंशिता, नित्या, उज्जवल, सिद्धि, साक्षी, निकिता, मुकुल, ऋषि, कृष्णा, और कोई? अभी तो रह रहे हैं बच्चे, देखो तुम लोग या तो ढंग से सीख नहीं रहे हो, दिक्कत है। मयंक, यस सर, इनको ढंग से दोबारा पढ़ इन क्वेश्चंस को, काफी टाइम लगा दिया। रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग एक्सपेंशन, ढंग से पढ़ो। ये सात की रिंग है डायरेक्ट प्लस तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन, चार की रिंग डायरेक्ट प्लस तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन, चार की रिंग देखो इसमें कॉन्ट्रैक्शन, मैं एक बार दोबारा से लिखता हूँ उसको ताकि तुम्हें क्लियर रहे हमेशा के लिए। देखो चार की रिंग ऊपर कार्बन पे प्लस, जैसे CH2 प्लस, CH प्लस या C प्लस, तो इसमें रिंग एक्सपेंशन, डायरेक्टली रिंग का बॉन्ड तोड़ेंगे और इस तरीके से ये हो गया प्लस, यहाँ पे ये हो गया रिंग एक्सपेंशन। पांच की रिंग डायरेक्ट प्लस, डायरेक्ट CH2 प्लस, सात वाला बॉन्ड तोड़ेंगे और ये हो गया प्लस, यहाँ पे ये प्लस और यहाँ जो नेगेटिव आया वो जुड़ रहे हैं, ये बॉन्ड टूट रहा है, तो ये प्लस वाले, ये क्या है, रिंग एक्सपेंशन वाले केस है। और अगर चार की रिंग पे डायरेक्ट प्लस है, डायरेक्ट प्लस है तो कॉन्ट्रेक्शन होगा एक बॉन्ड छोड़ करके, ये वाला भी बॉन्ड छोड़ना है, ये बॉन्ड भी छोड़ना है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर भेजे और हो गया रिंग कॉन्ट्रेक्शन इस तरीके से, क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया है, ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया, प्लस आ गया, और ऐसे ही सात की रिंग में। ये चीज पर ध्यान रखनी है, आगे प्रैक्टिस करेंगे तो और क्वेश्चन भी आएंगे। ये इस बॉन्ड को छोड़ दो जो प्लस के साथ वाला है, इस बॉन्ड को छोड़ दो, इस वाले बॉन्ड को या इस वाले बॉन्ड को, इसमें इलेक्ट्रॉन इधर भेजे, नेगेटिव पॉजिटिव का बॉन्ड बन जाएगा इधर और प्लस आ गया, समझ गए कि नहीं है? मयंक अभी समझ नहीं आया? सर आ गया। हाँ तो प्रैक्टिस करना है इसको बहुत बार, पांच पांच बार, छह छह बार लिख के देखना, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग एक्सपेंशन, बहुत केसेस है, अभी मैंने कम केसेस लिए हैं इधर, बस ये ध्यान रखना जो अभी लिए हैं वो बिल्कुल सिंपल वाले केसेस हैं, ये जरूर आने चाहिए सबको। नेक्स्ट नोट करेंगे। अब एक एक रिएक्शन मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, कपलिंग रिएक्शन, सबने पढ़ी हुई है ना कपलिंग रिएक्शन, बहुत बार नीट और आईआईटी में आई हुई है, इसलिए कपलिंग रिएक्शन, रिएक्शन सबने पढ़ रखी होगी, मैंने ऑलरेडी तुम्हें करा रखी है कपलिंग रिएक्शन। फिनॉल को, फिनॉल का पता लगाने के लिए और एनिलीन का पता लगाने के लिए रिएक्शन होती है, फिनॉल का और एनिलीन का पता लगाने के लिए रिएक्शन होती है। एक बार हैंड सेस करेंगे, किसको याद है रिएक्शन? सिद्धि, साक्षी, निकिता, मुकुल, चार बच्चों को याद है और किसी को याद नहीं है। कनिष्क, नेम रिएक्शन पढ़ नहीं रहे तुम लोग, कनिष्क याद नहीं है रिएक्शन? चलो देखो, देखो उधर, कपलिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान देंगे, कपलिंग रिएक्शन, मैं एक बार रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूं तुम्हें, क्या कंडीशन है वो भी बता रहा हूँ। मैकेनिज्म तुम लोगों ने पढ़ा होगा, लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी भेजे हुए हैं, जैसे ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC लिख रहा हूँ इसको शॉर्ट में, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसको जैसे ही मैं फिनॉल में डालूंगा, फिनॉल को ऐसे लिखना OH फिनॉल में, और pH रखेंगे 9 to 10, pH 9 to 10, बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं रखेंगे, बहुत ज्यादा इसको बहुत ज्यादा बेसिक नहीं रखेंगे, एच यहाँ पे है ना, ये HCl बाहर निकलता है, रिएक्शन खत्म, रिएक्शन ये है, मैकेनिज्म मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हालांकि रिएक्शन भी मैंने भेजे हुए हैं मैकेनिज्म, ये भी पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन मिलेगा, ये एजो ग्रुप होता है ये वाला,
एन डबल बॉन्ड एन दो वैलेंसी फ्री, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, और ये ऑरेंज कलर की डाई होती है, कलर जरूर याद रखना ऑरेंज डाई, नाम जरूर लिखने हैं, एक तो इसका नाम बेंजीन डाइजोम क्लोराइड, इसका नाम फिनॉल, इसका फिनॉल, पीएच रखा है 9 to 10, एक बार इस रिएक्शन की डिटेल सुनेंगे, मैकेनिज्म लास्ट में बता दूंगा जल्दी से इसका, ऑरेंज कलर की डाई आती है, पीएच इसका 9 to 10 क्यों रखा है, कोई भी तुम में से बता सकता है पीएच 9 to 10 क्यों रखा है, पीएच 9 to 10 यानी बेसिक मीडियम क्यों रखा है, और बहुत ज्यादा बेसिक मीडियम नहीं रखा, वीकली बेसिक मीडियम क्यों रखा है इस रिएक्शन, देखो मेरे N2Cl जो है बेंजीन के ऊपर N2Cl, ध्यान देंगे बेंजीन के ऊपर N2Cl, ये चीज है ना, मेरे को चाहिए ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल रहे, ये क्या रहे, ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, प्लस चार्ज तो इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल रहे, यानी इसके पास अगर विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि प्लस को बढ़ाएंगे वो, और जो साथ वाला फिनॉल है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल रहे, यहाँ पे OH है, यहाँ पे क्या है OH, तो मैं चाह रहा हूं कि ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल रहे फिनॉल, क्योंकि O के पास लोन पेयर है, इसके लोन पेयर है, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल रहे, और BDC जो है अच्छा इलेक्ट्रोफाइल रहे, उसके लिए इसके पास होने चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसके पास होने चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो रिएक्शन जल्दी होगी, तो रिएक्शन जल्दी होगी, अब इस केस में मैंने रखा है पीएच 9 to 10, इसका मतलब पीएच 9 to 10 मतलब बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम मैं इसलिए रख रहा हूं ताकि फिनॉल अपना एक एच लूज कर दे, बेसिक मीडियम में एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, ये अपना एच प्लस लूज कर देगा, एच प्लस लूज कर देगा तो ओपे माइनस आ जाएगा, ये आ गया ओपे माइनस, ओपे माइनस आते ही अब ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी देगा, ओपे माइनस आते ही अब ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा, जिससे यहां नेगेटिव ज्यादा आएगा और अटैक करेगा आसानी से बीडीसी के ऊपर, लेकिन हाँ इसमें क्वेश्चन आया अगर मैंने फिर पीएच 14 को नहीं रखा, अगर मैं पीएच 14 रख दूं तो और अच्छा बेसिक मीडियम है और जल्दी फिनॉल एच देगा, ये एक्चुअल में एन बॉन्ड एन प्लस था ना, जब मैंने पीएच 14 रख दिया तो वो बहुत दे और इमीडिएटली इस पर एन प्लस एन डोनेटिंग जैसे CH3 या OCH3 या OH इस टाइप से, तो यही केसेस तुम्हें याद रखने हैं, मैंने एक रिएक्शन तुम्हें बता दी कपलिंग की, दूसरी रिएक्शन कपलिंग की कलर याद रखना ऑरेंज डाई मिलती है, कलर क्या है ऑरेंज डाई, दूसरी रिएक्शन लिखेंगे इसकी जल्दी से, देखो दूसरी रिएक्शन में BDC लेंगे N2Cl और लेंगे अब एनिलीन, और इसमें रखते हैं pH 4 to 5 यानी वीकली एसिडिक मीडियम, अब मैंने रखा इसका नाम वीकली एसिडिक मीडियम, तो इस केस में भी क्या होता है HCl बाहर निकलेगा ये और आंसर आ जाएगा पैरा एमाइनो एजोबेंजीन येलो डाई, पैरा एमाइनो एजोबेंजीन और येलो कलर की डाई आती है, ये आती है येलो कलर की डाई, अब पीएच 4 to 5 क्यों रखा है यहाँ पे, वीकली एसिडिक मीडियम रखा है, एसिडिक मीडियम रखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मैं इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ा रहा हूँ ताकि रिएक्शन फास्ट हो, फिनॉल वाले केस में मैंने फिनॉल का बेसिक फिनॉल की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाई थी, इधर मैं बीडीसी की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाऊंगा पीएच 4 to 5 यानी स्लाइटली एसिडिक मीडियम रखिए, स्लाइटली एसिडिक मीडियम होगा एच प्लस आयंस होंगे तो क्या होगा ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल, बीडीसी जो है अच्छा इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, सही है, और अगर मैंने ज्यादा स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम रख दिया जैसे पीएच 0 या 1 रख दिया तो एच प्लस आयंस बहुत सारे होंगे, एच प्लस ज्यादा होंगे तो वो इस पर अटैक करके क्या कर देंगे इसके न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को खत्म कर देंगे, क्योंकि NH3+ बन जाएगा, अब तो ये न्यूक्लियोफिलिक रहेगा ही नहीं, इसलिए इस रिएक्शन में हम पीएच रखते हैं 4 to 5, इसमें रखते हैं पीएच 4 to 5, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं पेपर में जो मैंने तुम्हें बताए हैं, और बीडीसी की प्रिपरेशन में मैं कराऊंगा डाइजोटाइजेशन रिएक्शन के, ये बन गया पैरा माइनो एजोबेंजीन येलो डाई, अब ऐसे ही एक क्वेश्चन हो रहा है जैसे मैंने ले लिया बीटा नेफ्थॉल,
इसको मैं डायरेक्ट बताऊंगा, ये भी पूछते हैं स्कूल में, नहीं पूछेंगे। ये है बीटा नेफ्थॉल, बीटा नेफ्थॉल में अगर मैंने पीएच N2Cl डाल दिया यानी बीडीसी डाल दिया, ये भी बीडीसी है ध्यान रखना, पीएच 9 to 10 बीडीसी डाल दिया ना इसमें, तो इस केस में बनता है यहाँ पे लगेगा HCl, H यहाँ से बाहर निकलता है, HCl ये निकलता है बाहर से, और आंसर आता है ये रेड कलर की डाई, ये OH रहेगा और इधर N डबल बॉन्ड N पीएच, ये भी रिएक्शन आपको लेना, ये भी कपलिंग रिएक्शन है और रेड कलर की डाई मिलेगी, रेड डाई बीटा नेफ्थॉल के साथ बीडीसी डालेंगे तो रेड कलर की डाई मिलेगी, क्लियर, रेड कलर की डाई मिलेगी। तो रॉय वर्ड से याद रखते हैं कलर क्या है, पहले मिली ये रेड डाई है बीटा नेफ्थॉल के साथ, ऑरेंज डाई फिनॉल के साथ, फिनॉल के साथ ऑरेंज डाई, बीटा नेफ्थॉल के साथ रेड डाई और येलो डाई एनिलीन के साथ, बीडीसी सब में डाला हुआ, बीडीसी सब में डाला हुआ है, और जो बीडीसी है हर रिएक्शन के अंदर काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, बीडीसी हर रिएक्शन में काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, मैकेनिज्म जल्दी से देख लेंगे इसका, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है ना, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, जैसे मैंने लिया फिनॉल के साथ, मैं बता रहा हूँ मैकेनिज्म, फिनॉल के साथ मैकेनिज्म लिया तो इसमें बनेगा, इसको हम ऐसे सोच सकते हैं जैसे N2+ था, N2+ N पे प्लस ट्रिपल बॉन्ड N ये था, और साथ में था फिनॉल, फिनॉल का बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन क्योंकि मीडियम था बेसिक, पीएच 9 to 10 था, फिनॉल का बन गया फिनॉक्साइड आयन, ये बना O- और ये बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये, अब ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो उससे क्या होगा, ये चीज बन जाएगी डबल बॉन्ड O और यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट आ जाएगा। अब इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन खींचे इसने, ये वाला नेगेटिव इस N प्लस पे अटैक कर देगा, आंसर आ गया ये चीज N डबल बॉन्ड N बेंजीन रिंग जो है इस फॉर्म में क्विनोन की फॉर्म में जुड़ जाएगी और उसके बाद यहां से H निकलेगा और रिंग को कंप्लीट करेगा जो मैकेनिज्म ने किया है इलेक्ट्रोफिलिक के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर और N डबल बॉन्ड N और ये आ गया यहाँ पे रिंग पूरी हो गई है O- है तो वाटर से ये क्या लेगा H लेगा और कंप्लीट हो जाएगा, वाटर से H लेकर के सही ना, सॉल्वेंट से H लेकर के क्या कर लेगा फिनॉल बना लेगा, पैराऑक्सी है जो बेंजीन बन जाएगा, मैकेनिज्म समझ आ गया इसका कि नहीं, मैकेनिज्म समझ आ गया कि नहीं, एक बार हैंड से करेंगे पूरी डिटेल जिसको इस रिएक्शन की समझ आ गई, इस रिएक्शन की डिटेल हैंड से करेंगे नहीं समझ आया किसी को भी, साक्षी सिद्धि मुकुल निकिता नित्या ऋषि को समझ आ गया, और कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार, कोई डाउट है तो पूछ लो, मैकेनिज्म मैंने कराए हुए ऑलरेडी, सिद्धि को साक्षी को निकिता को मुकुल को, पांच बच्चों को समझ आ गया, और कोई युविका? यस सर आ गया, क्लियर हो गया पूरा? यस सर। चलो हैंड से कर दो जल्दी से एक बार जिसको समझ आ गया, इनकी प्रैक्टिस जरूर करना और लेक्चर्स आगे के पढ़ के रखने हैं जितने मैं करा रहा हूँ, आगे के पढ़ के रखोगे तो अच्छा समझ आएगा ढंग से। कपलिंग रिएक्शन में दो रिएक्शन बोर्ड के सिलेबस में, कौन कौन सी, एक तो फिनॉल के साथ बीडीसी की रिएक्शन पीएच 9 to 10 और एक एनिलीन के साथ बीडीसी की रिएक्शन पीएच 4 to 5। बीटा नेफ्थॉल वाली भी इंपॉर्टेंट है, वो एडवांस में आ चुकी है दो बार, तो इसलिए मैंने रिएक्शन वो लिख दिया और मैकेनिज्म बता दिया, ये मैकेनिज्म लिखा हुआ है। फिनॉल यहाँ पे बीडीसी हमेशा इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, इसलिए हम चाहेंगे उसका ड्रॉइंग ग्रुप हो, और फिनॉल एनिलीन ये काम करेंगे हमेशा न्यूक्लियोफाइल के, तो इनके साथ होने चाहिए डोनेटिंग ग्रुप। चलो यहाँ तक समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट टाइम अच्छा कल 99% तो वही ऑफलाइन क्लास होगी, मैसेज नहीं आएगा तो ऑफलाइन क्लास है मीन, सही ना, तो ये पढ़ के आना पूरा ढंग से, ये पूरा ढंग से पढ़ के आना है, थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी पूछूंगा, नोट्स वगैरह कंप्लीट करके लेके आने, नोट्स वगैरह ढंग से कंप्लीट करके आने, ऑर्गेनिक के भी और थर्मोडायनेमिक्स के भी। चलिए नेक्स्ट टाइम करेंगे, ओके थैंक्स।